इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की कार क्रमांक MH49ES3603 अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और मेट्रो रेल के बोर्ड से टकरा कर पलट गई। इस कार में सवार 5 छात्रों में एक छात्र की मौत हो गई जबकि बाकी 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर दुर्घटना की जानकारी मिलते ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं छात्रों का अस्पताल में जमावड़ा लग गया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की कार क्रमांक MH49AS3603 अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और मेट्रो रेल के बोर्ड से टकराकर सीधे पलटी खाती चली गई। इससे कार में सवार 5 छात्रों में से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं। आपको बता दें कि मृतक छात्र का नाम गौरव राघुर्ते बताया गया है। जानकारी के अनुसार कार में गौरव के अलावा उसके सहपाठी देवेश निखोटे, वेदांत उदापुरे, तन्मय मिटांगले और अमन यादव सवार थे। सभी बीई प्रथम वर्ष के छात्र बताए जा रहे हैं। गौरतलब रहे कि दोपहर करीब 1:30 बजे 5 कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार की रफ्तार काफी तेज थी। इसी बीच एयरफोर्स ऑफिसर मेस के सामने चालक का कार से नियंत्रण छूट गया और कार डिवाइडर पर सीधे चढ़ गई और मेट्रो के बोर्ड से टकरा कर पलट गई। इसमें कार में सवार 5 छात्र बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिन्हें तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया। हालांकि प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने गौरव को मृत घोषित कर दिया था जबकि देवेश गंभीर रूप से जख्मी बताया गया। इधर दुर्घटना की जानकारी मिलते ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं छात्रों का एम्स में जमावड़ा लग गया। इन दिस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।